भारतीय महिला टीम के देख जोश, कंगारू महिलाओं के उड़े होश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिलेश्वर और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल N7 Sports में। तो दोस्तों, भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम और भारतीय महिला टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में ही लिचफील्ड बिना खाता खोले 0 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए और दूसरे ओवर में एलिसा पेरी को पूजा वस्त्रकार ने बोल्ड कर ऑस्ट्रेलियाई टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। फिर बैथ मुनी ने मैग्राथ के साथ धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम का स्कोर 87 रन पहुंचा दिया। तभी मैग्राथ 50 रन के योग पर स्नेहा राणा का शिकार बन गए। ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से बैथ मुनी 40 और एलिसा हिली 38 रन ही कुछ हद तक भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने पूरी ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम मात्र 219 रनों के योग पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए पूजा वस्त्रकार 4 विकेट, स्नेहा राणा ने 3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। जब महिला भारतीय क्रिकेट टीम ने बल्लेबाजी शुरुआत की तब सैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए 90 रनों के साझेदारी कर भारतीय टीम के लिए मजबूत आधारशिला रख दी और पहले दिन के खेल समाप्ति के पश्चात भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना लिए थे। दूसरे दिन के खेल में कल के दोनों नबाद बल्लेबाज स्नेहा राणा और स्मृति मंधाना ने दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक और साझेदारी कर भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद 7 रनों के योग पर 2 भारतीय खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन ऋचा घोष और जेमिमर रेड्रिक्स ने चौथे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया से 41 रन की बढ़त हासिल कर लिया। मगर ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों ने 14 रन के भीतर 4 विकेट झटक कर भारतीय महिला टीम के बहुत बड़ी बढ़त लेने के मंसूबे को पानी फेर दिया। यहां से दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकार ने धैर्य और संयम से बल्लेबाजी करते हुए दूसरे दिन के खेल समाप्ति तक भारतीय महिला ने 7 विकेट पर 376 रन पहुंचाकर मैच में अपना शिकंजा कस दिया था। दीप्ति और पूजा ने 8वें विकेट के लिए 122 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर भारत का स्कोर 396 रन पहुंचा दिया और तीसरे दिन के पहले सत्र में 406 रन पर ऑल आउट हो गई। मगर 187 रन के बढ़त लेकर मैच में निर्णायक बढ़त लेकर ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के लिए संकट का संकनाद अवश्य कर दिया था। भारतीय पारी में 4 अर्धशतक लगाए गए जिसकी बदौलत भारत ने 406 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ओपनर स्मृति मंधाना 73 रन, जेमिमा रेड्रिक्स 73 रन, ऋचा घोष 50 रन, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 78 रन जबकि पूजा वस्त्रकार के 47 और सैफाली वर्मा के 40 रनों के योग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे सफल गेंदबाज एस्ले गार्डनर रही जिन्होंने 41 ओवर में 100 रन देकर 4 विकेट हासिल किया। तीसरे दिन जब ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने दूसरे पारी की शुरुआत की तब सबसे पहले 187 रन के लीड को बराबर करना पहला कार्य था। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने शुरुआत तो ठीक ठाक किया लेकिन विकेट नियमित अंतराल में गिरते रहे। तीसरे विकेट के लिए 84 रन की बेशकीमती साझेदारी हुई और चौथे विकेट के लिए मैग्राथ और एलिसा हिली ने 66 रन जोड़कर बेहतर स्थिति में नजर आ रही थी। मगर एक बार फिर मैग्राथ के 73 रन पर आउट होते ही मानो ऑस्ट्रेलियाई टीम की ब्रज टूट पड़ा और तीसरे दिन ही खेल समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया महिला टीम 6 विकेट पर 233 रन बनाकर भारतीय टीम से मात्र 46 रन आगे थी। चौथे दिन 233 रन से पारी को आगे बढ़ाते हुए शेष 4 ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी 28 रन जोड़कर पवेलियन लौट गए और भारतीय महिला टीम को विजय के लिए महज 75 रन बनाने का लक्ष्य दिया। एक बार फिर से पहली पारी की तरह मैग्राथ ने अर्धशतक लगाकर सर्वोच्च ऑस्ट्रेलियाई स्कोरर रही। मैग्राथ ने दोनों पारियों में 50 एवं 73 रनों की पारी खेली। महिला टीम के लिए दूसरी पारी में स्नेहा राणा ने 4 जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर ने 2-2 विकेट अर्जित किए। 75 रनों के विजय लक्ष्य को भारतीय महिला टीम ने 18.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर अर्जित कर लिया। स्मृति मंधाना ने नबाद 38 रन जबकि जेमिमर रेड्रिक्स ने नबाद 12 रन बनाकर एकमात्र टेस्ट भारत की झोली में डाल दिया। इससे पहले अभी हाल ही में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड की टीम को 347 रनों से पराजित कर महिला टेस्ट इतिहास की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी विजय हासिल कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ नया इतिहास रच दिया। 1977 से लेकर मुंबई में 24 दिसंबर को समाप्त हुए कुल 11 टेस्ट मैचों में यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया पर पहली टेस्ट विजय है। उससे पहले खेले गए 10 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने अब तक 4 टेस्ट मैचों में विजय अर्जित किया था जबकि
शेष 6 मुकाबले बिना किसी नतीजे के ड्रॉ के रूप में समाप्त हुआ था। दोस्तों आपका भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल N7 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।